हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर कैंपस चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रैक चेंज का ऑप्शन एमएस एक्सेल में। और इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको इस वीडियो में थ्योरी क्लास पहले बताऊंगा और फिर प्रैक्टिकल क्लास में इस ऑप्शन का एक एग्जाम्पल आपको करके बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वीडियो की ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीखेंगे। तो आज आप जानेंगे कि ट्रैक चेंज ऑप्शन क्या होता है एक्सेल में, ट्रैक चेंज से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, और ट्रैक चेंज में ही आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंज का ऑप्शन आता है, वो क्या है, उसको कैसे यूज करना है, और एक एग्जांपल के थ्रू ट्रैक चेंज करना, चेंजेस रिपोर्ट तैयार करना जो कि हम लोग बनाते हैं एक्सेल में, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना, ये सारी चीजें एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में समझाऊंगा। तो पूरा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी काफी अच्छी है, तो आप पूरा वीडियो देखिए अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, अंत तक देखिए इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रैक चेंज होता क्या है। एक्चुअली एक सिचुएशन होती है, सपोज अगर आप कुछ काम कर रहे हो किसी फाइल पे और शेयर्ड मोड, मतलब आप दूसरे लोग भी इसको उस पे काम करें, तो शेयर्ड मोड का मतलब यही होता है कि आप एक फाइल पे अगर एक दो या दो से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग ट्रैक चेंज ऑप्शन यूज करते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि कोई भी चीजें जो दूसरे के द्वारा चेंजेस हुई है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, है ना, और उसको देख पाते हो कि आपने जो काम किया वो और दूसरे ने जो काम किया वो दोनों में आपको फर्क दिखाई देगा, हाइलाइटेड रहेगा, जो भी चेंजेस होंगे वो हाइलाइटेड रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं और ये सिचुएशन है जहाँ पे ट्रैक चेंज यूज करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं स्टेप कैसे क्या क्या करना है जिससे कि ट्रैक चेंज हो सके। तो सबसे पहले रिव्यू टैब पे क्लिक करें आप, उसके ट्रैक चेंज का ऑप्शन आपको दिखेगा, चेंज नाम का ऑप्शन बॉक्स होगा, वहां पे आपको ट्रैक चेंज दिखेगा और वहां पे हाईलाइट चेंज पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही हाईलाइट चेंज पे आप क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां पे हाईलाइट चेंजेस के लिए आपसे ऑप्शन मांगे जाएंगे, तो आपको यहां पे क्लिक करना है। ये बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रहता है, ठीक है, इसमें चेकआउट नहीं होगा। आप जब इस पे क्लिक करेंगे, यानी आप सबसे पहले इसी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका क्लिक हो जाएगा और चेकआउट हो जाएगा। उसके बाद आप हाईलाइट ऑप्शंस की देख सकते हैं, जैसे वेन कब आपको हाईलाइट करना है उसका ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हु यानी कौन कौन से लोग चेंज करेंगे तो आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो चीज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और वेयर यानी सेल का रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे अगर चेंज हो तो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, वो सारा ऑप्शन यहाँ से सेट करेंगे, है ना। हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन, अगर आपके स्क्रीन पे कोई भी चेंज होता है तो वहां से हाईलाइट हो जाएगा। इस ऑप्शन को चेकआउट करके ओके पे आप क्लिक करेंगे, है ना। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रैक चेंज ऑन हो गया, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। सारा काम करने के बाद आप ट्रैक चेंज को देख लें, एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है वो भी कर लें, और फिर ट्रैक चेंज जो भी एक्सेप्ट हो गया उसके बाद उसको हटाना चाहते हैं यानी ट्रैक चेंज का ऑप्शन इनएक्टिव करना चाहते हैं, तो फिर वापस आपको यहीं पे क्लिक करना होगा, यानी रिव्यू टैब पे जाके ट्रैक चेंज करके हाईलाइट चेंज करके यहीं पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये हट जाएगा और ओके पे क्लिक करके आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि ट्रैक चेंज का ऑप्शन आपका हट गया। तो जब तक आपको ट्रैक चेंज चालू रखना है आपको इस पे क्लिक करके रखना है, और जैसे ही ट्रैक चेंज का वो एक्टिव को हटाना है, इनएक्टिव करना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना वो ट्रैक चेंज का जो ऑप्शन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूव ट्रैक चेंज के लिए एक्चुअली ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए दोनों के लिए यही बटन है, इसको ध्यान रखिएगा, और मैंने यहाँ बताया आपको तो इसको आप नोट कर लीजिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि कोई भी ट्रैक चेंज जब हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो एक्सेप्ट, अच्छा उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो भी चेंजेस हुए हैं उसका एक रिपोर्ट आप एक्सेल में तैयार कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको वर्ड में नहीं मिलती है, जबकि ट्रैक चेंज का ऑप्शन वर्ड में भी है। तो रिपोर्ट हिस्ट्री का मतलब क्या होगा कि जितने भी चेंजेस हुए उसको हम देखना चाहते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए रिव्यू टैब पे जाइए, है ना। हाँ, रिव्यू टैब पे जाने से पहले वर्कबुक को जरूर सेव कर लीजिए, जो भी चेंजेस हुए हैं, कोई भी चीज हुआ है, चूंकि सेव होगा तभी उसका रिपोर्ट बनेगा, अगर सेव नहीं होगा तो रिपोर्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले क्या करिए कि वर्कबुक को सेव कर लीजिए, फिर रिव्यू टैब पे जाइए और वहां पर ट्रैक चेंज ऑप्शन में हाईलाइट चेंज में जाइए, ठीक है। और हाईलाइट चेंज में आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो होगा लिस्ट चेंज का। आपने देखा होगा अभी पिछले वीडियो में नीचे एक ऑप्शन था लिस्ट चेंज का, उस पर आप जरूर क्लिक कर दीजिएगा, और जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये रिपोर्ट आपके सामने आएगा। देखिए इसमें क्या क्या है, दो चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, डेट डेट बता रहा है कि किस डेट में चेंज किया गया है, टाइम बता रहा है किस टाइम में चेंजेस किए गए हैं,
किसने चेंज किया है, यूजर का नाम बता रहा है, अगर कोई दूसरा यूजर होता तो उसका नाम यहाँ बताता, किस सेल में चेंज किया गया है, सॉरी क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, सेल में चेंजेस किए गए हैं। अब देखो उसमें अगर डिलीट होता तो यहाँ पे बताता डिलीट, अगर कोई नई चीज उसमें डाली जाती, और सीट कौन से सीट में चेंज हुआ है, किस रेंज में चेंज हुआ है, देखो रेंज मतलब हुआ B6 कौन से सेल में चेंज हुआ है ना, और क्या वैल्यू डाली गई, ये सारा रिपोर्ट तैयार करके आपको एक्सेल में मिल जाता है। ये ऑप्शन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ वर्ड में अवेलेबल नहीं है, जबकि ट्रैक चेंज वर्ड में है, लेकिन हिस्ट्री रिपोर्ट ऑफ चेंजेस आप नहीं तैयार कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको आप तैयार करें एक्सेल में, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी ये बताऊंगा कि आप कैसे इसको तैयार करेंगे। अभी अभी आप इसे नोट कर लीजिए है ना, कैसे कैसे करना है, ये सारे स्टेप्स मैंने बता दिए, और हिस्ट्री रिपोर्ट ऑफ ट्रैक चेंज कैसा दिखता है ये भी आप लिख ले, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कोई भी चेंजेस जो किए गए हैं उसको हम लोग एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन होता है ट्रैक चेंज में कि जो भी चेंजेस किए गए उस सीट में डेटा में वो आप चाहो तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, वर्कबुक को सेव करिए दोबारा से और रिव्यू टैब पे जाइए, वहां पर ट्रैक चेंज जाइए, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ये डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, सिलेक्ट चेंजेस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट में आप कब वेन कब आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना चाहते हैं, किसके द्वारा दिया गया जो वैल्यू है वो आप चेंज करना चाहते हैं, और सीट के किस लोकेशन पे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट भी आप छोड़ के ओके भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा और आपको बताएगा जहां जहां पे ट्रैक चेंज होंगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको दिखेगा कि चेंज्ड सेल B6 फ्रॉम ब्लैंक टू 44, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो है ना, अगर रिजेक्ट करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो। ठीक है, और फिर जैसे ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे तो दूसरा जो चेंज होगा वो यहाँ आपको दिखेगा, उसमें सब कुछ आपको बताएगा किसने चेंज किया, कब चेंज किया, क्या टाइम था, क्या चेंज किया, किस सेल पे चेंज किया। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप सारे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक बार में एक्सेप्ट ऑल कर लीजिए, अगर सबको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो एक बार में रिजेक्ट ऑल कर लीजिए। तो ये सारे ऑप्शंस हैं ट्रैक चेंज को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है थ्योरेटिकली, और बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिकल में भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सेल में चलते हैं और वहां पे देख लेते हैं ट्रैक चेंज का ऑप्शन और जितनी भी उससे रिलेटेड चीजें हैं वो सारा चीज हम लोग मैं आपको करके बता दूंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे पहले कि हम लोग एक्सेल में चलें और ट्रैक चेंज को देखें, आप अगर नए यूजर हैं पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो मिलती रहे इस तरह की वीडियो तो आप बेल आइकन पे भी क्लिक करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को दूसरे को भी बताना चाहिए। अभी चलते हैं हम लोग एक्सेल में और वहां पे ट्रैक चेंज के सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो, आज इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं रिव्यू टैब के ट्रैक चेंज ऑप्शन को, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टेप्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और सारी चीजें बता दी है। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में इसको हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक फाइल हम लोग लिए हैं, एग्जाम्पल नाम का फाइल है, इसके अंदर है स्टूडेंट, मैथ का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स और केमिस्ट्री का मार्क्स। ठीक है, अब इसमें अब हम लोग क्या चाहते हैं, ये तीन एंट्री पहले से किया हुआ है, अब इसमें कोई भी नई चीज अगर एंट्री हो तो हमें पता चल जाए, तो इसके लिए हम लोग रिव्यू टैब में जाके ट्रैक चेंज में जाके हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपने ये डायलॉग बॉक्स मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे ही ये क्लिक करेंगे ये सारा चीज ऑन हो जाएगा। हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन का मतलब है कोई भी चीज चेंज होगा तो वो आपको पता चल जाए, और ये सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, जैसे कब आप चेंज करना चाहते हैं बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, यूजर का कौन कौन से यूजर अगर चेंज करे तो आपको पता चले, यहाँ से आप सेल सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सेल में है ना। अभी मैं हम लोग जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसको लेके चलते हैं, ठीक है, और ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे दिस एक्शन विल सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ये ऑप्शन पूछेगा आपसे, तो आप ओके कर दीजिएगा, आपका जो भी फाइल सेव पहले से है वो अगर कोई भी चेंजेस हुआ होगा तो वो सेव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग कोई भी चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ जैसे राज, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये आगे ये पॉइंट है ना, आप बता रहे हैं आपको कि क्या चेंजेस हुए हैं, ये है ट्रैक चेंज। जैसे ही आप ट्रैक चेंज ऑन कर लेते हैं अगर इस तरह का आ रहा है तो आप समझ लेना कि वो ट्रैक चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो जो भी काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये सभी क्या कर रहा है, ट्रैक चेंज के अंदर हो रहा है। आप चाहोगे तो फ्यूचर में इसको हटा भी सकते हो, इसको रख भी सकते हो, ठीक है, और ये भी देख सकते हो कि किसने किसने चेंज किया था, है ना। चलो ये वैल्यू हम लोगों ने चेंज कर लिया,
अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका रिपोर्ट तैयार करते हैं। देखो रिपोर्ट में आप ये बता सकते हैं, एक अलग से रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री रिपोर्ट ऑफ चेंजेस हम लोग बोलते हैं उसको, कि क्या क्या चेंजेस हुए, कब हुए, कौन से डेट में हुए, कौन से टाइम में हुआ, किसने यूजर की किस यूजर ने किया। तो उस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले आपको क्या करना होगा कि इस वर्कबुक को सेव कर लेना होगा। देखो मैंने कंट्रोल एस से अभी सेव किया, ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस से सेव करके फिर रिव्यू टैब पे आपको जाना है, ट्रैक चेंज के ऑप्शन में हाईलाइट चेंज में ही ये देखिए नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है लिस्ट चेंजेस ऑन ए न्यू सीट, इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखिए लिस्ट चेंजेस ऑन ए न्यू सीट, और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सेव रहेगा तभी वो तैयार होगा, अदरवाइज नहीं तैयार होगा। आप देखो यहाँ पे एक नया सीट जनरेट हुआ हिस्ट्री के नाम से, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे एक्चुअली डेट बता रहा है लेकिन ये फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको आप यहाँ से ऑटो फिट कॉलम फिट कर लो। देखो आ गया है ना, डेट के हिसाब से आ गया, देखो डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है, कौन से यूजर ने चेंज किया, क्या चेंजेस किए, ये कौन क्या क्या चेंज हुआ, तो सेल चेंज हुआ, किस सीट में हुआ, कौन सा रेंज था, सेल रेंज बता रहा है, सेल ये एड्रेस बता रहा है A6B6 है ना, कौन सा वैल्यू चेंज हुआ, तो देखो ये राज चेंज हुआ, रानी चेंज हुआ, इसका नंबर वगैरह चेंज हुआ है ना, और ओल्ड वैल्यू क्या था तो ब्लैंक था, क्या करना है, क्या लूजिंग एक्शन, एक्शन टाइप मतलब आप उस पर कौन कौन सा काम किए उसकी बारे में बात हो रही है, तो ब्लैंक होगा। तो इस तरह से हिस्ट्री ऑफ चेंजेस आप तैयार कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब ये जो चेंजेस हैं उसको आप चाहो तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको। फिर से बता दूं ये रिव्यू टैब, ट्रैक चेंज, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो ओके पे क्लिक करना है आपको, सीधा वही सा ऑप्शन है कि कब आपको एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, कौन कर सकता है, वेयर यानी कौन सा सेल रेंज है, तो इसको डिफॉल्ट ही रहने दो, ओके पे क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहला आपका जो आ रहा है देखो यहाँ पे सिलेक्टेड भी है और यहाँ पे दिखा भी रहा है चेंज्ड सेल A6 फ्रॉम ब्लैंक टू राज। अब इसको आपको एक्सेप्ट करना हो तो एक्सेप्ट कर लीजिए, रिजेक्ट करना हो तो रिजेक्ट कर दीजिए। अभी देखिए रिजेक्ट हुआ तो ये खत्म हो गया, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, रिजेक्ट कर दीजिए, जो आपको लगे कि ये करना है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको रिजेक्ट करना है, इसको रिजेक्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। अभी देखिए सब कुछ हो गया, एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट वाला गायब भी हो गया है ना, लेकिन ये जो ट्रैक चेंज का मार्क है वो अभी गया नहीं है, क्यों, क्योंकि ट्रैक चेंज अभी भी ऑन है। अब उसको आपको क्या करना होगा, ऑफ करना होगा, तो रिव्यू टैब पे जाइए, ठीक है, ट्रैक चेंज पे जाइए और हाईलाइट चेंज पे ये जो ऑप्शन आपने क्लिक किया था इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन पूछ रहा है सेव वगैरह का, तो यस कर दीजिए। देखिए सारे ट्रैक चेंज हट गए, अब ये नॉर्मल एंट्री भी हो रही है, ट्रैक चेंज ऑन भी नहीं है, है ना। तो ये तरीका है ट्रैक चेंज यूज करने का एक्सेल में और उससे रिलेटेड ऑप्शंस को यूज करने का। तो आई थिंक आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट करके, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो शेयर जरूर कीजिए अगर आपको लगता है कि दूसरे को शेयर करना चाहिए, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए एक्सेल की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू, बाय बाय।